नवी मुंबई के दीघा एमआईडीसी परिसर में एक 16 साल की नाबालिग बच्ची पर लिफ्ट देने के बहाने रिक्शा चालक ने बलात्कार किया है। यह बच्ची एमआईडीसी परिसर में काम करती थी। उसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है। वह अपनी दादी के पास दीघा में रहती थी। परसों रिक्शा चालक ने उसे फिर से लिफ्ट दी और बिना पैसे लिए घर तक छोड़ा। दूसरे दिन फिर उसी रिक्शा चालक ने उसे लिफ्ट दी, पर इस बार दूसरे रास्ते से रिक्शा ले जाकर वहाँ पर मौका देकर बच्ची के साथ बलात्कार किया और यह बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। फिर से रिक्शा में बैठाने पर डरी हुई बच्ची ने रिक्शा से छलांग लगाई। इस मामले में रवाले एमआईडीसी पुलिस ने बलात्कार का मामला दर्ज किया है। आरोपी पिछले दो दिनों से फरार है। आरोपी की तलाश अभी नवी मुंबई पुलिस कर रही है। एक नाबालिग लड़की थी जो रिक्शा से जा रही थी। पहले रिक्शा वाले से उसकी एक बार पहचान हो चुकी थी, क्योंकि उसको वो उसी रिक्शा से लेके गया था अगले दिन। तो दूसरे दिन लेके जाते वक्त उसने दूसरी जगह गाड़ी घुमाई और उस पर अटेम्प्ट टू रेप किया है। और फिर उसके बाद उसको आगे धमका के वो दूसरी जगह लेके जा रहा था, तो वो लड़की ने रिक्शा से जंप किया। और उसके बाद पुलिस को जैसे खबर मिली, पुलिस गई है, एफआईआर दाखिल हुई है वो लड़की के फिरियाद के ऊपर। और उसमें तपास में अभी तक रिक्शा हमको मिल गई है। जो आरोपी है उसका भी नाम और पता चल गया पता, और उसको खोजने के लिए टीमें गई है। नवी मुंबई आवाज, पंकज बेनवंशी की रिपोर्ट।